नहीं मजदूरी का जबलपुर में काम ढूंढते पड़ो 20-40 रुपया तो बस में किराया हो जाता है। गरीब है यहाँ के सरपंच लोग। हाँ। अगर गवर्नमेंट दे शाम को थोड़ी बहुत लेते भी है। अच्छा लेते भी है। हाँ। नेता ही लोग तो गरीब होते हैं, आम जनता तो बड़ी होती है। कितने रुपए मजदूरी मिलती है आप लोगों को? 300-400 रुपए। हम जो काम नहीं करें तो फिर हमारा परिवार नहीं चलेगा। जी हम लिखा के आए थे ऊपर से। हाँ। सरकार से यही कहना चाहते हैं पहले सबकी पूरी करे फिर अपनों करे। मैं हूँ अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हम अपने घर के आसपास गांव शहर में बने मंदिरों को देखते हैं तो उन मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं तो अधिकतर मूर्तियां संगमरमर की होती हैं। क्या आपके मन में कभी ख्याल आया कि आखिर ये मूर्तियां बनाई कहां जाती होंगी? तो जवाब है तो ये मूर्तियां जबलपुर, भेड़ाघाट और इससे जुड़े हुए अन्य कई स्थानों पे बनाई जाती हैं। लेकिन ये मूर्तियां बनती कैसे हैं? इस सवाल का जवाब आज हम अपनी इस रिपोर्ट में देने वाले हैं। मेरे पीछे आप कुछ लोगों को संगमरमर को तराशते हुए देख पा रहे होंगे। निकट चल के हम इनसे बातचीत करेंगे और दिखाएंगे इन मूर्तियों को जो तराशी जा रही है उनको देख करके आप सहज ही अंदाजा लगा लेंगे कि मूर्तियां किस चीज की बन रही हैं और कैसे बनाते हैं ये लोग इन मूर्तियों को, कितनी मेहनत लगती है। और जो मूर्ति आपके पूजा घर की शोभा बढ़ाती है, जिस मूर्ति की पूजा आप नवरात्रि और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत करते हैं, उसको बनाने में कितना समय लगता है, ये चीजों की जानकारी भी हम आपको यहाँ देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है आपका भैया? बड्डू वर्मन। और बड्डू जी, ये जो आप मूर्तियां बना रहे हैं, ये नंदी बाबा की मूर्ति आप बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप मजदूरी करते हैं या फिर आपकी खुद का जो तो काम है? नहीं मजदूरी करते हैं। कितने रुपए मजदूरी मिलती है आप लोगों को? 300-400 रुपए। 300-400 रुपए। और ये जैसे एक हम मूर्ति देख रहे हैं, ये अभी पूरी तरीके से तराश रहे हैं, पत्थर कहाँ से आता है इसका? पत्थर सेठ बोलवाता खदान से, खरीद करके मंगाए जाते हैं। हाँ जी। और एक ये मूर्ति बनाने में लगभग कितने दिन का टाइम लगता है? फिर भी 5-6 दिन। 5-6 दिन अकेले करते हैं या एक से अधिक मजदूर भी लगते हैं? अकेले लगते हैं। हाँ। तो जैसे इसको आपने शेप में दिया है, ये पिछला हिस्सा हो गया इसका और ये अगला हिस्सा हो गया, नीचे आपने इसका स्टैंड भी बना दिया है, तो ये आइडिया आता कहाँ से? क्या कोई फोटो वगैरह होती है या फिर कहीं और से आइडिया आता है? नहीं हम लोग सीखे हैं पहले। अच्छा सीखे हैं। हाँ। कितने टाइम लगे आपको सीखने में, कितने दिन लगे? 3-4 साल। 3-4 साल से आप सीखे, फिर उसके बाद ये काम शुरू किया। दूसरी चीज, एक चीज और जानना चाहेंगे कि कितनी उम्र थी आपकी जब ये शौक लगा या मजबूरी में ये काम करना शुरू करना पड़ा? हम 10 साल। क्या करते थे आपके माता पिता? नहीं माता पिता घर पे किसानी करते हैं, हम लोग ये काम करते रहे। तो कैसे इस फील्ड में आना कैसे हुआ, कैसे मन किया कि हम लोग मूर्तियां बनाएंगे? हम लोग के गांव में, पूरे गांव में बनती है। अच्छा, पूरा गांव में बनती है। कौन सा गांव है आपको? बगरई। बगरई में सिर्फ यही मूर्तियों से जुड़ा हुआ काम होता है, तो उसी चीज को देख करके आपका इंटरेस्ट जगा कि हम भी मूर्तियां बनाएंगे? नहीं, हम लोग के गांव में चलता है और हम लोग किसानी भी करती है। जिसके पास में खेती है वो किसानी करता है, जिसके पास में नहीं है तो यही काम करता मूर्ति का। अच्छा, तो 300-400 रुपए मजदूरी मिलती है और उसी पे ये आप लोग करते हैं। कितनी पढ़ाई की है आपने? 8वीं पास। 8वीं पास है। और दिन भर में कितने घंटे ये मेहनत करनी पड़ती है? इसको तो पूरे दिन करना पड़ती है। आप जिस चीज से इसको तराशते हैं वो थोड़ा सा दिखाइए हमको, यंत्र दिखाइए। ये कटर मशीन। ये कटर मशीन है, नॉर्मल जो है तो कटर मशीन जिससे लकड़ी वगैरह भी काटी जा सकती। हाँ, कुछ है। भी काटता है। तो कितनी प्लेट जो है तो एक दिन में लग जाती है? इसकी ब्लेड 6-7 दिन चलती है। एक प्लेट 6-7 दिन में टूट जाती है। हाँ, खत्म हो जाती है। लो ए पूरी तरह की पत्थर को खत्म वो किया जाता है। और चीजें जो होती हैं तो तराशना शुरू कहाँ से करते हैं? जो पहला हिस्सा होता है सबसे पहले क्या तराशा जाता है किसी पत्थर? पहले इसकी प्लेट बनाई जाती है। हाँ। उसके बाद में इसका आकार बना जाता है। तो ये इसके द्वारा जो तो अभी ये बना रहे हैं। दूसरी चीज, जो संगमरमर होता है जो इसकी धूल होती है, ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, मतलब इतना ज्यादा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। उसके बावजूद आप लोग बिना मास्क के हैं और बिना आंखों में चश्मे के हैं, कैसे झेलते हैं ये सारी चीजें? की आदत हो गई है? आदत पड़ गई हम लोग की। पता है आपको कि ये बहुत खतरनाक होता है? हाँ जी। फिर भी उसके बाद आप लोग बताइए मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं? मास्क तो ठीक है, मगर चश्मा लगाने से धूल वूल आंखों में छपती है, इसलिए नहीं लगाते। अच्छा, मास्क भी ज्यादा रख दो और इकट्ठी जाती है मास्क से। अच्छा, नहीं मास्क से भी रख दो इकट्ठी होकर जाती है, ऐसे नहीं जाती है, ऐसे में थोड़ी बहुत जाती। अच्छा। है।
तो ये तो लगाने से ज्यादा जाते। तो आप लोगों के जो परिवार हैं, जो गांव है जैसे, तो जो संगमरमर से रिलेट काम करते हैं, तो क्या उनको बुढ़ापे के समय में या कुछ समय के बाद काम के बाद कोई परेशानी सामने आती है? नहीं, अभी तक हम लोग के गांव में कोई परेशानी नहीं आई, ऐसे ही काम ये चलता रहता है। हाँ, दादा दादा सब करते रहे। तो 10 साल की उम्र से आपने ये काम शुरू किया था, पढ़ाई लिखाई कितनी हुई या नहीं पढ़े फिर आप लोग? नहीं पढ़े, कभी कभी जाते रहे, काम भी सीखते रहे। क्या नाम है भैया आपका, बताइए थोड़ा सा? नंदलाल वर्मा। नंदलाल जी, कितने साल से आपका ये एक्सपीरियंस हो गया, कितने साल से ये काम कर रहे हैं? हम 20 साल करीब हो गए। 20 साल हो गए। कितनी मूर्तियां बनाई होंगी आप, ये एक बड़ा सवाल है, 20 साल से आप काम कर रहे हैं, कितनी मूर्तियां बना चुके होंगे? इसका अनुभव नहीं दे सकता, गिनती ही नहीं है। नहीं, कोई गिनती नहीं। और ये सुबह से शाम तक आप लोग इसको तराशते हैं। एक चीज और ये हमें बताइए, आपकी ये जो मूर्तियां होती हैं, इनके क्या प्राइजेस होते हैं, कितनी कीमत होती होगी लगभग? ये सेट लोग अपने हिसाब से बेचता है, जो ग्राहक जैसा फंस गया वो सब दे दिया। और जो हम शंकर जी की मूर्तियां देखते हैं, देवी माओ की मूर्तियां देखते हैं, शारदा मैया जैसे दुर्गा मैया की मूर्तियां देखते हैं, तो वो कैसे बनाई जाती हैं? ऐसे ही ये ऐसे ही बनाई जाती हैं। उस कोई फोटो वगैरह पहले से तय नहीं होती कि इस फोटो को ऑर्डर पर फोटो में सोई देख कर बनाई जाती है। हाँ, जैसे आप फोटो दोगे तो सब वो ही बनती है। तो जो ठेकेदार होते हैं आप लोगों में से 20 से ही होते हैं, या फिर वो ठेकेदार बाहर के लोग होते हैं और आप लोग सिर्फ मजदूरी करते हैं? नहीं, वो ठेकेदार भी है। अच्छा, आप लोग के ही बीच के ही होते हैं। और आपके गांव में लगभग कितने लोग होंगे जो इन मूर्तियों से जुड़े हुए व्यवसाय पे हैं, लगे हुए हैं? हमारा गांव अकेली ग्राम पंचायत है। हाँ, पूरे गांव में नदी उस पार ना, तीन चार गांव है जो इसी का काम करते हैं, सिर्फ इसी का काम। हाँ, उसके अलावा जिसके पास खेती है भाई, वो खेती कर रहा है। उसके अलावा क्या दूसरा धंधा व्यवसाय का है? और कुछ कोई धंधा नहीं, सिर्फ जो है तो यही मूर्तियां बनाते हैं किसान। कितने किलोमीटर दूर है आपका यहाँ भेड़ा घाट से आपका गांव? 8 किलोमीटर। और हर घर में यही मूर्तियां होंगी, यही ग्राइंडर होगा और इसी इन्हें ब्लेड से ये कटिंग चल रही होगी। और इस जो ग्राइंडर होता है आपका, जिससे आप कटर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें और कौन कौन सी चीजें जो होते, जैसे आंख बनाने के लिए कौन सी चीजें? टूल्स होते हैं इसी में, और टूल्स लगाते हैं? अच्छा, दूसरे हथौड़े का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं? इसको कटिंग करके उछटाना पड़ता है, जैसे ये गैप है। हाँ, तो यहाँ पर काटा, फिर उसको उछटाने के लिए जे है, छेनी वगैरह उसे बनाते हैं। हथौड़ा वो है, हथौड़ा और छेनी। जैसे ये सामने एक पत्थर है, तो ये पत्थर जो है इस पे भी मूर्तियां ही बनाई जाएंगी, या फिर किसी भी प्रकार का पत्थर होता है उसको आप लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं? अपने हिसाब से कर लेते हैं। इसको बनाने में 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा, है ना? फिर उसके बाद क्या करेंगे, किसको देंगे आप लोग? ये जिसका पत्थर सेट उसी का ठेकेदार ले जाएगा। घिसाई होगी, पेंटिंग भी होती है। पेंटिंग जिसको पेंटिंग चाहिए वो पेंटिंग, नहीं घिसाई तो होती है। ये जो संगमरमर के पत्थर है, सफेद संगमरमर, ये भेड़ा घाट में विशेषता है, यहीं पे पाए जाते हैं, है ना? नहीं, ये यहाँ से 20 किलो की दूरी पर। अच्छा, वहाँ से ये लाए जाते हैं, फिर ये पूरे देश भर में बेचे जाते हैं, है ना? अपने देश में तो हर जगह है, जयपुर में है, बहुत सी जगह है, महाराष्ट्र में कई जगह है, हर जगह पत्थर निकल रहा है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं तो 5वीं तक पढ़ा। 5वीं तक पढ़े, फिर उसके बाद ये काम शुरू कर दिया? कभी ऐसा लगा कि यार और पढ़ लेना चाहिए था, कुछ अच्छा कर सकते थे? गुंजाइश नहीं रही पहले। क्यों? घर वालों की पढ़ाने की गुंजाइश नहीं थी। माता पिता क्या करते थे? बस खेती किसानी, खेती किसानी रही तो बस वही करते रहे। और इसके अलावा जैसे जब ये मूर्तियां बनाते हैं, सुबह से शाम तक पूरा ढोल भरी रहती है, तो दोपहर में खाना पीना खाते हैं या नहीं खाते? खाते हैं, शाम को थोड़ी बहुत लेते भी हैं। अच्छा, लेते भी हैं। ड्रिंक्स लेते थोड़ी बहुत। उससे क्या होता है, फायदा क्या होता है? फायदा क्या होता है उससे? थकावट होती है, रगदारी खत्म हो जाती है, ये होता है। पूरे धूप में काम करते हैं दिन भर, तो शाम को थोड़ा रिलैक्स लेते हैं। हाँ। और ये जो सफेद रंग होता है, इसका तो शरीर में जमा नहीं होता? अब होता भी है तो क्या करो, अपनी तो ये मजबूरी है ना, करना ही पड़ेगा। मास्क वगैरह लगाना चाहिए, हम ये आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य की बात है, आपको मास्क लगाना चाहिए, शायद झोल जो है तो कम जाएगी। गर्मी टाइप की महसूस होने लगा ना, बहुत ज्यादा धूप में और ज्यादा बीमारी होने का चांस बढ़ जाते हैं। अब हम लोग को नहीं होता, कुछ नहीं होता, हालांकि
प्रॉब्लम। क्या अपने बच्चों को कभी सोचते हैं कि इसी धंधे में लाना है, इसी मजदूरी करवाना है? अब देखो ऊपर वाले की कृपा है। नहीं चाहते क्या है कि आपके बच्चे भी इसी फील्ड में जाएं, कि वो बच्चे कुछ अच्छा करें और दूसरे से करते? अब वो तो बच्चे बड़े हो की बात पता चलेगा क्या करें क्या नहीं करें। प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह का लाभ मिलता है आप लोगों को? गरीब होंगे। कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? राशन कार्ड भी नहीं मिला। अच्छा। हाँ ना भी कोई मकान आया। क्यों आप लोग अमीर हैं? काय के अमीर हैं? नहीं तो यही तो पूछ रहे हैं। गरीब हालत का अमीर है। ये 30 दिन मजदूरी मिल जाती है या फिर कभी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, ऐसा होता है? डेली मिल जाती है। डेली मिल जाती है, ये एक अच्छी चीज कह सकते हैं कि चलो मजदूरी मिल जाती है। 8-10 घंटे की ड्यूटी होती होगी आपकी। और दूसरी चीज ये जानना चाहते हैं, जैसे आप लोग गरीब हैं, गरीब नहीं होते तो यहाँ पे नहीं होते। जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे आपने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिला, तो आखिर ये मिलता किसको है? फिर कौन है गरीब? फिर अगर आप लोग भी नहीं है तो आखिर कौन है गरीब जिसको ये योजना मिलती है? गरीब है यहाँ के सरपंच लोग। हाँ वो ज्यादा गरीब हैं। अच्छा। वो सोचते जितना जे कछुआत उनके पास आ रहे, बस नेता ही लोग तो गरीब होते हैं, आम जनता तो बड़ी होती है। राजनीति वाले बहुत गरीब होते हैं बेचारे, घर घर हाथ जोड़ ना पाता इतने गरीब होते हैं, और हम लोग दानी होते हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब हर राजनेता को, हर राजनीति करने वाले व्यक्ति को इस बात पर विचार करना चाहिए, इस बात पर गौर करना चाहिए कि जिनको आपकी किस्मत बदलने के लिए चुना जाता है वो अपनी किस्मत बदलने में व्यस्त हो जाते हैं। बस दुख होता है ये काम करने का कि मतलब अगर हमारी स्थिति थोड़ा सा सही होती, पढ़े लिखे है, हम जे काम नहीं करें तो फिर हमारा परिवार नहीं चले। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। पढ़ाई लिखाई करवाते हैं? हाँ अभी तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई चल रही थी। हाँ। तो वैसे ही स्कूल बंद चल रहा है बच्चों के, 2 साल से वैसे ही उनके स्कूल ही बंद है। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए आप लोग खुद ठेकेदारी करें, आपस में जैसे 3 लोग मजदूरी कर रहे हैं, 3 लोग मिल करके आपस में करें और खुद ही बेचे खुद ही बनाए, ऐसा नहीं लगता? ऐसा सोचते हैं कभी? नहीं चल पाता ना अपना। हाँ उतना पैसा सटाना पड़ता है इसमें, 30-40 हजार का पत्थर लाओ फिर मशीने फंसाओ, इतना कहाँ है। ये हथौड़े, ये मशीनें, ये कटिंग की टूल्स जो होती हैं, जो पत्थर है, सब ठेकेदार देता है कि आप लोग का भी इसमें कुछ है? मशीनें हम लोग खरीद लेते हैं। अच्छा। क्या है 1500 रुपए की आती हैं तो अपन खरीद लेते हैं, बिगड़ती भी है सुधरती भी है सब होता रहता है। अच्छा। मतलब मजबूरी ही है जो आप लोगों को ये पत्थर तोड़ने, और इन पत्थरों की जो खतरनाक एक कह सकते हैं धूल है वो शरीर के अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही है। क्या करो फिर जी, हम लिखा के आए थे ऊपर से। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्यों लगता है कि आप लिखा करके आए थे? लिखा ही जो लिखा वही होता है ना। क्या करते हैं हम? एक चीज हम जरूर पूछेंगे आपसे कि जो भगवान पूरी दुनिया की किस्मत बदलता है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया भरोसा करती है, आप उन भगवान को, उन मूर्तियों को गढ़ते हैं, वो मंदिरों में पूजी जाती हैं, लेकिन आप लोग जो है तो आपकी खुद की किस्मत जो है तो नहीं बदली, क्यों? क्या कारण लगता है? क्या आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ? भगवान की कृपा तो चींटी पर भी है। हाँ? क्यों नहीं है? उसकी कृपा के बगैर तो पत्ता नहीं हलता जी, हवा नहीं चलती। कृपा सब है मगर किस्मत क्यों नहीं बदली, क्यों नहीं बदलती? हर एक को अपना अपना काम दिया। देखो जिस उस पास से आ रही मूर्ति, आप इनसे थोड़ी बहुत कहो। अच्छा। देखो वो भी अपने वाले हैं। अच्छा। गांव के ये सब आपके गांव के? गांव के उस पास से ला रहे। ये पीछे एक छोटी सी बच्ची है। बच्ची किसकी है? बच्ची इनकी। अच्छा तो आप लोग का घर भी यहीं पर है? ऊपर है। अच्छा मूर्ति कलाकार जे भी यही काम करते हैं। अच्छा तो भैया तो काफी भेड़ाघाट में मतलब बहुत से करते हैं, भेड़ाघाट में बहुत ज्यादा बड़े बड़े कारखाने हैं अपने। हाँ। छोटे मोटे होंगे। यहाँ ज्यादा पत्थर ही का काम है सर। अच्छा। हाँ हम लोग की रोजी रोटी यहीं से चलती है। देखो इसमें काम के ऊपर 400-500 भी पड़ जाता है, 400 भी कभी अपन नहीं भी कर रहे, लाइट भी गोल है, बैठे है तो उससे नहीं होता, उतना मजदूरी पूरा मिल जाता है। ये एक अच्छी बात। अपन 12 बजे से भी काम करेंगे, 1 बजे से भी करेंगे तो 400 रुपये मिल जाता है। अब किसी और की मंजूरी करने गए तो दिन भर में पागल हो जाते हैं। हाँ काम भी नहीं है, जबलपुर में काम ढूंढते पड़ो 10-20-40 रुपये तो बस में किराया हो जाता है, क्या करो। सरकार से क्या कहना चाहते हैं?
सरकार से यही कहना चाहते हैं, पहले सबकी पूरी करो फिर अपनों करो। भिखारी मत बनो, दानी बनो। जी। और इसी फोटो को देख करके ये भैया मूर्ति तराश रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदीप सिंह परिहार। प्रदीप सिंह परिहार जी, ये किनकी मूर्ति फोटो है? यह है दूल्हा देव की। दूल्हा देव जी, दूल्हा देव की ये फोटो है? दूल्हा देव हरदौल सभी के नाम। अच्छा। से तो ये फोटो आप बना रहे हैं जी। तो कैसे ये इतने, इस फोटो को देख करके, हम पेंटिंग करते हुए लोगों को देखते हैं और कह सकते हैं कि और कई सारी चीजें होती हैं कला के क्षेत्र में, फोटो खींचते हैं लोग, लेकिन उसके बाद जो है तो इन फोटो को आप इस मूर्ति में ढाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं इतना कठिन काम जो ये है? कठिन क्या है, तो बचपन से चला आ रहा है, सात पीढ़ी से हमारे यहाँ काम मूर्तियों का। थोड़ा सा हमारे कैमरे की तरफ कि किस तरीके से आपने ये मूर्ति बनाई हुई? अभी तो कंप्लीट नहीं हुई, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि लगभग ये मूर्ति एक ही जैसे है ना। कितने दिन में ये तराश लेते हैं? एक दिन में। एक दिन में इतनी बड़ी मूर्ति और पूरा का पूरा एक दिन में? कितने साल का एक्सपीरियंस है? मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। पहले करता था सॉफ्ट मार्बल पे। सॉफ्ट मार्बल क्या होता है? कच्चा पत्थर होता है। हाँ। जिसमें पत्थर के नेम पे नाम लिखा जाता है, घोरने। अच्छा, से इसका। हाँ। पाउडर बनता है। अब वो पत्थर महंगा हो गया, इसी वजह से इसमें काम चालू कर दिया। आप भी मजदूरी ही कर रहे हैं इसमें? जी हाँ, ये सेठों का काम है, खुद का भी करते हैं। हाँ। अगर आर्डर आर्डर रहता है तो खुद का भी करते हैं। जैसे मान लीजिए खुद का काम होता है, ये मूर्ति कितने में जाती लगभग? ये जाती 3000 रुपए की। 3000 रुपए की आप एक दिन की मजदूरी में इसको बना देते हैं, है ना? मतलब 400 में 3000 का काम आप निपटा देते हैं सेठ? नहीं है, ये इसमें हमको 800 रुपए देगा। 800 रुपए देंगे, और जो नॉर्मल मूर्ति होती है उसमें 400-500 रुपए मजदूरी मिलती है? नहीं, वो क्या है, सब काम के हिसाब से रहता है। एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है तो फिर पैसे बढ़ जाते हैं। अरे ये तो ठीक है, तो आदमी का भी चेहरा बना लेते। अच्छा, हूबहू तो खैर भगवान भी नहीं बनाता। हाँ। सेम यार जी, कम से कम ये समझ लीजिए 75% जो है बना लेते हैं। जी जी। अभी इस कितने परसेंट का काम इसका हो चुका है, लगभग कितना तराशना बाकी? 80% काम हुआ है। अभी यहाँ पर ये पूरा कटिंग होगी, यहाँ हर जगह पे पूरा कटिंग जी, इसकी जो डिजाइन वगैरह बनी हुई है ना जी, पत्थर पे लाइनिंग वगैरह ये सब बनेगी, ये मुकुट बनेगी। यहाँ पे तलवार की जगह बनना है गदा। अच्छा, उन्होंने फोटो ये दी थी सेठ जी ने, बोला था यहाँ पे गदा बनना है, घोड़े की नक्काशी। बता भी दिया जाता है कि मतलब क्या करना है, तो बिना फोटो के भी आप लोग जी जी कर लेते हैं। चलिए, बहुत अद्भुत कला हमको दिखाई दे रही है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो हैं, एक वो लड़का है। अच्छा। और एक लड़की है, करते। बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। और इसमें पेंटिंग्स वगैरह भी करेंगे? पेंटिंग वो सेट वगैरह करवाते हैं, अगर हमारे पास पर्सनल कोई ऑर्डर होता है तो हम लोग खुद सब कम्प्लीट करा के देते। अच्छा। हैं। पीछे एक मूर्ति हमने देखी, उसमें पेंट वगैरह करा के रखा है। पेंटिंग वगैरह हमारा लड़का खुद कर देता है, उसको भी सिखाया पेंटिंग करना। अच्छा। घर भी यहीं पर है, पास में आगे है, बोर्ड लगा हुआ है परिहार मार्बल आर्ट का। तो जैसे रात को मान लीजिए आप लोग ये मूर्तियां तो मान लीजिए लेते जाते होंगे, जो पत्थर है वो सामने वाला है, इन पत्थरों को छोड़ देते हैं तो चोरी नहीं हो जाते हैं? चोरी नहीं होती। हाँ। चोरी होगी भी तो सेठ की होगी, इतना बड़ा पत्थर कोई नहीं ले जाता। अच्छा। छोटे मोटे टुकड़े वगैरह नहीं ले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए, ये जान करके आश्चर्य हुआ कि इतनी बेहतर मूर्ति आप एक दिन में बना लेते हैं, ये आपके अनुभव का ही कमाल है। क्या है कि एक्चुअली में हम लोगों को गवर्नमेंट ने कुछ दे नहीं रखा। अच्छा, सरकार को कुछ देना चाहिए आप लोग? सरकार अगर हम लोगों को कुछ लोन वगैरह दे तब अपन काम आगे बढ़ाएं। अभी पिछले साल एक पत्र विक्रेता के मिले थे हमको 10,000 रुपए। हाँ। बोला था 825 रुपए कुछ चुकाना है, तो हमने 1,000 रुपए करके पूरा लोन चुका दिया। हाँ। अभी इस दिन मैनेजर साहब के पास गए, मैंने बोला सर दोबारा 20,000 का आया है, हमने आपने 10,000 दिए। हाँ। हमने आप घर पे जाके देखिए, एक साल में कम से कम 80,000 रुपए का माल हमने बचत में रख लिया। कितने का माल? 80,000 का। 10,000 रुपए का इन्वेस्ट में 80,000 रुपए का माल अभी रखा हुआ है बचत में, प्रेजेंट में। कोई हाँ। भी आके देख सकता है, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना जाए। ओह माय गॉड। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको 1,00,000 मिल जाएगा तो एक साल में समझे ये काम नहीं करे, हम करवाए दूसरे से, एक साल में सीधे 80,00,000 का काम हो जाएगा। ये तो बहुत अद्भुत, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी जो मेहनत है उसकी मिसाल है कोई भी व्यक्ति। क्या है एक्चुअली में ऐसा। हाँ। है जैसे मान लीजिए ये मूर्ति है, अभी दुकानदार मान लीजिए 800 रुपए दिए अपन जी, अब ये मूर्ति हम कम्प्लीट कर गए बाहर किसी दुकान में देंगे तो कम से कम 3,000 रुपए की जाएगी। हाँ।
कितना भाड़ा लगेगा? ओनली 200 रुपीज। मतलब 1000 का टोटल खर्च करेंगे तो 2000 रुपए फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा हमारा। पर क्या अपने पास उतना रहता नहीं ना भाई, सभी चीज तो लगा हुआ घर गृहस्थी में खर्चे वगैरह। अगर गवर्नमेंट दे तो फिर गरीबों को काम आएंगे बढ़े, पर गवर्नमेंट बड़े लोगों को पर लोन देती है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि भाई अभी आपने 10 दिया तब कम से कम 50 तो दे। हम भी यही कहना चाहेंगे सरकार से कि जब 10,000 में 80,000 रुपए का सामान जो है तो बना सकते हैं भाई, तो इनको और इन जैसे मजदूरों को जिनके हाथ में हुनर तो है लेकिन मजबूरी है जिसकी वजह से मजदूरी करना पड़ता है, उन लोगों को लोन जैसी सहायताएं मिलनी चाहिए ताकि ये अपने जीवन स्तर को सुधार सकें और अपनी कला, अपने हुनर और अपनी इस तरीके की मतलब नायाब कारीगरी को और बेहतर नायाब जो है एक तरीके से सफर तय करा सकें। पीछे हम एक मूर्ति आपको दिखाते हुए इस खबर को यहाँ पर समाप्त करेंगे। ये मूर्ति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको तराश करके पूरा कंप्लीट कर दिया गया था, हालांकि ये टूट गई है यहाँ से, इसीलिए यहाँ पर रखी हुई है। ऐसे ही किसी दूसरे व्यवसाय, किसी दूसरे कारीगर और आप और हमारे जीवन से जुड़ी ही घटनाओं को लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ।